गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, ईटीआई के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्टिंग में ही आज देखने वाले हैं, जो कि बहुत दिनों के बाद आज हम आपके लिए लेके आए कुछ टेक्निकल स्टॉक्स और कुछ अच्छे फंडामेंटल न्यूज, जो कि आने वाले समय में वो स्टॉक्स पे इम्पैक्ट कर दे। और बहुत दिनों के बाद आज हम टेक्निकल स्टॉक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिए, वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल बटन पर अभी क्लिक कीजिए और वीडियो में बने रहिए। वीडियो शायद आज का थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल स्टॉक्स पे भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, उसी के साथ फंडामेंटल स्टॉक्स पे भी डिस्कशन करने वाले हैं। जो फंडामेंटल स्टॉक्स की न्यूज है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्पॉट के कल के लिए, मतलब 13 जून के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। सो इसीलिए आपको आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि आज हम सभी प्रोडक्ट्स पे, मतलब जो फंडामेंटल स्टॉक्स, फंडामेंटल न्यूज, टेक्निकल स्टॉक्स और जो हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो लेवल्स है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम टेक्निकल स्टॉक से, और आज का पहला स्टॉक है जो कि LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस एक काफी अच्छी खासी मूवमेंट आज तेजी देखने मिली है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में स्टॉक में लगभग 5% की तेजी से स्टॉक क्लोजिंग हुआ है। स्टॉक अराउंड 715 रुपए 40 पैसे के आसपास चल रहा है। आज लगभग कल के क्लोजिंग से 35 रुपया 30 पैसा ऊपर क्लोजिंग दिया है। स्टॉक अगर डे वाइज हिसाब से देखते हो तो पिछले कुछ महीनों से स्टॉक जनवरी से लेकर आज के जून तक, मतलब लगभग 6 महीना, स्टॉक डाउन साइड में 540 के लेवल्स, और अप साइड में अगर आप देखोगे तो 700 के लेवल्स, 680 के लेवल्स क्रॉस नहीं हो रहा था। और वो लगभग 6 महीने के बाद स्टॉक ने, अगर आप देखोगे तो जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट लगा उस दिन स्टॉक ने अगेन 544 का लो करने के बाद आज के दिन, मतलब पिछले 4 या 5 दिनों से स्टॉक कंटिन्यूअसली एक पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा है। और अगर एक ई स्टॉक की आप पॉजिटिव थीम देखते हो तो लगभग 7 साल के बाद स्टॉक ने 700 का हाई ब्रेक किया है। ये देखिए, अगर हम हिस्टोरिकल डेटा में जाते हैं पीछे, तो लगभग 2017 के बाद आज फर्स्ट टाइम स्टॉक ने 700 का हाई ब्रेक किया। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 2017 के पास ये स्टॉक 700 के आसपास था। उसके बाद ये स्टॉक नीचे भी आया था, बट लगभग 7 साल के बाद ये स्टॉक आज पॉजिटिव जा रहा है। ये देखिए, सो ये एक पॉजिटिव थिंग है। तो स्टॉक को लगभग 7 साल के बाद आज एक ब्रेकआउट आ रहा है। और अगर हम लोग पिछले 6 महीने का भी डिस्कशन करते हैं तो स्टॉक में पिछले 6 महीने के बाद आज फर्स्ट टाइम रिसेंटली अगर देखते हैं 6 महीने का डेटा, स्टॉक ने एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है। सो करंट लेवल से स्टॉक हमें 720 और 720 अगर क्रॉस करता है तो हमें 768, 794 और 830 के लेवल्स LIC हाउसिंग फाइनेंस में देखने मिल सकते हैं। और 830 का भी लेवल अगर ब्रेक हुआ तो हमें 897 के लेवल्स LIC हाउसिंग फाइनेंस में देखने मिल सकते हैं। तो स्टॉक करंटली में पॉजिटिव लग रहा है। अगर करंट लेवल से स्टॉक नीचे आया तो 653 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 682 और 653 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि एक शायद रिट्रेस होके अगेन बाउंस बैक आने की संभावना है। बट स्टॉक करंट मोमेंट से भी हमें पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि 7 साल के बाद, आफ्टर 7 इयर्स, स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, एक पॉजिटिव मोमेंटम दिए है। और हम लोग पिछले 6 महीने का भी अगर मोमेंटम देखते हैं तो 6 महीने के बाद यह स्टॉक में ब्रेकआउट आया है। सो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आज का स्टॉक LIC हाउसिंग फाइनेंस, जो कि आने वाले समय में एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। हमने उसके लेवल्स डिस्कस किए हैं। स्टॉक अगर 585 और 540 के नीचे जाता है तो स्टॉक में से हमें एग्जिट करना जरूरी है, या फिर वहां पे हम और स्टॉक खरीदारी कर सकते हैं। तो
स्टॉक एक जो रेंज बाउंड था वो वहां से एक ब्रेकआउट मिला है आज के दिन, और पिछले 7 साल के बाद आज स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। सो ये था हमारा पहला स्टॉक जो कि बंपर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, ये हमारी संभावना है। सो हमारा दूसरा स्टॉक है जो कि कोल इंडिया। ये देखिए तो कोल इंडिया भी अगर आप देखोगे एक पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा खासा मोमेंटम, आफ्टर हम बोल सकते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला है। स्टॉक अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से, मतलब पिछले 2 महीनों से एक रेंज बाउंड था और उसके बाद बीच ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया था कोल इंडिया में। अभी भी ये स्टॉक अगर करंट लेवल से ब्रेक होता है तो हमें लगभग 528 के लेवल्स कोल इंडिया में देखने मिल सकते हैं। ये देखिए अगर करंट लेवल से स्टॉक एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आता है 502 490 के ऊपर, तो स्टॉक हमें 528 के लेवल्स भी कोल इंडिया में देखने मिल सकते हैं। ये देखिए तो स्टॉक में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। अगर करंट लेवल से स्टॉक ऊपर जाता है 490 के 490 494 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में स्टॉक 528 के लेवल्स कोल इंडिया में टच कर सकते हैं, और करंट लेवल से अगर नीचे आया तो स्टॉक को एक 460 के आसपास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक 50% रिट्रेस 455, ये भी एक अच्छा लेवल हो सकता है जो कि कोल इंडिया के लिए। और करंट लेवल से अगर 490 भी क्रॉस किया तो स्टॉक में आने वाले दिनों में 528 के लेवल्स हमें दिखने मिल सकते हैं। सो ये था हमारा दूसरा स्टॉक जो कि कोल इंडिया। हमारा तीसरा स्टॉक है पिरामल एंटरप्राइज, PEL। ये देखिए ये स्टॉक में आज लगभग 3% की तेजी हमें देखने मिली है। स्टॉक लगभग आज 25 रुपया अप है और स्टॉक करंटली 865 रुपीज के आसपास चल रहा है। सो हमें ये लग रहा है कि ये स्टॉक में करंटली अगर हम देखेंगे तो करंट लेवल से अगर स्टॉक ऊपर जाता है, मतलब 869 अगर क्रॉस करता है करंट लेवल से, तो हमें 901 917 और 940 के टारगेट्स, 940 के लेवल्स आने की संभावना है। सो करंट लेवल से अगर स्टॉक 870 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो हमें 901 रुपया तक आ सकता है, और 901 रुपया भी अगर क्रॉस किया तो 917 रुपया तक आ सकता है PEL, मतलब पिरामल इंटरप्राइजेस, और 917 भी अगर क्रॉस किया तो 940 तक के लेवल्स आ सकता है। करंट लेवल से अगर स्टॉक एक नीचे रिट्रेसमेंट दिया तो स्टॉक को 824 का एक जो रिट्रेसमेंट है वहां तक आने की संभावना है, वहां से भी एक अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम आ सकता है। बट फिलहाल हमें करंट लेवल से स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है। सो 824 और 811 का जो लेवल है वो वहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम, मतलब एक रिवर्सल दे सकता है अगर करंट लेवल से स्टॉक डाउन साइड आया तो। अदरवाइज करंट लेवल से अगर 870 क्रॉस किया तो हमें 901, 917 और 940 के लेवल्स आने वाले दिनों में PEL में देखने मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक को एक 798 और 781 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर 780 का लेवल ब्रेक हुआ डाउन साइड तो ये स्टॉक में हमें एक एग्जिट करना चाहिए और वहां से एक गिरावट देखने मिल सकती है। बट फिलहाल हमें ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है टेक्निकल बेसिस पे, करंट लेवल पे भी एक अच्छा बाइंग लेवल है। बट अगर करंट लेवल से स्टॉक रिट्रेस होता है तो 825 और 811 का जो लेवल है वो भी एक अच्छा खासा बाइंग का लेवल हो सकता है। तो ये हमारे आज के 3 स्टॉक जो कि पिरामल, पहला स्टॉक था हमारा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो कि 7 साल के बाद उसमें एक ब्रेकआउट आया है,
और पिछले 6 महीनों का भी अगर हम डेटा देखते हैं तो 6 महीने के बाद उसमें ब्रेकआउट आया है, फ्रेश ब्रेकआउट। सेकेंड, हमने कोल इंडिया डिस्कस किया जो कि एक अच्छा खासा स्टॉक लग रहा है करंट लेवल पे। और तीसरा स्टॉक हमने पीरामल एंटरप्राइज डिस्कशन किया जो कि आज लगभग 3% के तेजी से क्लोजिंग हुआ है, लगभग 25 रुपया 20 पैसा आज पॉजिटिव क्लोज दिया है। तो स्टॉक करंटली 865 चल रहा है। हमने जो लेवल्स डिस्कस किए हैं, जो टारगेट्स और जो सपोर्ट डिस्कस किया है उस पे आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के तीन टेक्निकल स्टॉक्स, और अभी हम नजर डालते हैं जो कि जो फंडामेंटल स्टॉक्स के न्यूज है उसके ऊपर एक फोकस डालेंगे। हमारा पहला फर्स्ट हमारा फंडामेंटल न्यूज है जो कि हल्दीराम के बारे में। सो हल्दीराम ने हिस्सेदारी बिक्री की योजना ठप होने के कारण आईपीओ की संभावना तलाशी है। हमारे अग्रवाल परिवार लिस्टिंग पर विचार कर रहे हैं क्योंकि 8 अरब डॉलर से 8.5 अरब डॉलर के बीच की बोलियां इसकी 12 अरब डॉलर की वैल्यूएशन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। यह जानकारी लोगों ने दी है जिन्होंने निजी जानकारी पर चर्चा करते हुए पहचाना उजागर नहीं करने का अनुरोध किया है। तो हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक खाद्य उत्पादक और रेस्तरा संचालक के लिए संभावित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश की संभावना तलाश रहे हैं क्योंकि विदेशी निवेशकों को इसे बेचने की योजना ठप हो गई है, मामले से ये परिचित लोगों ने बताया है। सो स्थानीय मीडिया ने बताया कि हल्दीराम के नाम से जानने वाली कंपनी को मई में ब्लैकस्टोन इंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से बोलियां मिली थी जिसमें अबुधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और GICPTE के साथ साथ बैन एंड कंपनी और टेमासेक होल्डिंग्स पिटाई के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम शामिल में थे। सो सूत्रों ने बताया कि आईपीओ संबंधी विचार अभी प्रारंभिक है और नियंत्रक शेयरधारक अभी भी अपनी मांग कीमत करने तथा बिक्री के लिए आगे बढ़ने का निर्णय ले सकते हैं। सो ये न्यूज का वो पर्टिकुलर ग्रुप पे एक इम्पैक्ट हो सकता है। सो सभी को ये ग्रुप पे नजर रखना जरूरी है। हमारा दूसरा फंडामेंटल न्यूज जो है हम डिस्कस करेंगे जेपी इंफ्रा के बारे में। सुरक्षा समूह ने जेपी इंफ्राटेक में 125 करोड़ रुपए डाले हैं रुकी हुई परियोजनाओं के निर्माण कार्य शुरू करने के लिए। सो इस महीने की शुरुआत में मुंबई स्थित समूह सुरक्षा समूह ने 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन करने के जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का नियंत्रण अपने हाथ में लिया है। सुरक्षा समूह ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड में 125 करोड़ रुपए का इक्विटी फंड डाला है जिसे उसने दिवालीयेपन प्रक्रिया के माध्यम से अधिग्रहित किया है। यह बैंकों के बकाए का निपटान करने और दिल्ली एनसीआर में लगभग 20,000 अधूरे फ्लैट को पूरा करने की अपनी समाधान योजना के हिस्से के रूप में है। सो यह अधिग्रहण दिवालियेपन अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलटी के 24 मई के फैसले के बाद हुआ है जिसमें सुरक्षा समूह के जेआईएल को अधिग्रहित करने वाली बोली और बरकरार रख गया था। सो एनसीएलटी ने सुरक्षा समूह को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को किसानों के मुआवजे के रूप में 1,334 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान करने का निर्देश दिया था। तो सूत्रों के अनुसार सुरक्षा समूह ने जेआईएल के 125 करोड़ रुपए का इक्विटी फंड लगाया है। सो ये एक फंडामेंटल न्यूज है जो कि जेपी इंफ्रा के बारे में है। और हमारा अब तीसरा इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल न्यूज जो कि आज का है वो है ग्लेनमार्क फार्मा के बारे में। सो ये न्यूज का ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हो सकता है। ग्लेनमार्क को जेनेरिक दवा के विपणन के लिए यूएस एफडीए की मंजूरी मिल गई है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, ग्लेनमार्क स्पेशलिटी एस को एसोमेप्राजोल मैग्नीशियम विलंबित रिलीज कैप्सूल के लिए यूएस खाद्य एवं औषधि प्रशासन से अंतिम स्वीकृति मिल गई है, दवा निर्माता ने यह एक बयान में कहा है। दवा कंपनी ग्लेनमार्क ने बुधवार को कहा है कि उसे
पेट में बहुत अधिक एसिड उत्पादन के कारण होने वाली स्थितियों के इलाज के लिए जेनेरिक दवा के विपणन के लिए यूएस स्वास्थ्य नियामक से मंजूरी मिल गई है। सो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। कंपनी का उत्पाद हेलियन यूएस होल्डिंग एएलसी ने नेक्सिकियम का जेनेरिक संस्करण किया है। 18 मई 2024 को समाप्त होने वाली नवीनतम 52 सप्ताह की अवधि के लिए निल्सन सिंडिकेटेड डेटा के अनुसार नेक्सियम 24HR विलंबित रिलीज कैप्सूल 20 मिलीग्राम ने लगभग 259.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक बिक्री हासिल की है। सो ये एक जबरदस्त आज का फंडामेंटल न्यूज है जो कि ग्लेनमार्क फार्मा पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकती है। हमारा चौथा न्यूज है जो कि एक थोड़ा इकोनॉमिकल और हम सेक्टर बोल सकते हैं कि सेक्टर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। भारत का अप्रैल और मई का स्टील आयात घरेलू मांग में उछाल के कारण 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो स्टील सेक्टर के बारे में है। स्टार्टिंग में हमने टेक्निकल स्टॉक्स डिस्कस किए, उसके बाद हमने 3 फंडामेंटल स्टॉक के न्यूज डिस्कस किए। अभी हम लोग इकोनॉमिकली जो एक सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है वो न्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि स्टील सेक्टर के बारे में है। भारत का अप्रैल मई का स्टील आयात घरेलू मांग में उछाल के कारण 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कच्चे स्टील उत्पादक भारत में स्टील की मांग में उछाल आया है क्योंकि देश अपने निर्माण और ऑटोमोटिव क्षेत्रों से मजबूत मांग के साथ वैश्विक स्तर पर एक उज्जवल स्थान बना हुआ है। रॉयटर्स द्वारा देखे गए अनंतिम सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में शुरू में वित्तीय वर्ष के पहले 2 महीनों में भारत का तैयार स्टील आयात 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जबकि देश शुद्ध आयातक बना हुआ है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कच्चे स्टील उत्पादक भारत में स्टील की मांग में उछाल आया है क्योंकि देश अपने निर्माण और ऑटोमोटिव क्षेत्र से मजबूत मांग के साथ वैश्विक स्तर पर एक उज्जवल स्थान बना हुआ है। भारत ने अप्रैल और मई के बीच 1.1 मिलियन मैट्रिक टन तैयार स्टील का आयात किया है जो एक साल पहले की तुलना में 19.8 अधिक है, जैसे कि आंकड़ों से पता चलता है। आयात में तेज वृद्धि से चिंतित भारत की स्टील मिलों ने बार बार सरकारी हस्तक्षेप और सुरक्षा उपायों की मांग की है। संघीय इस्पात मंत्रालय ने मजबूत स्थानीय मांग का हवाला देते हुए इस तरह के आह्वान का विरोध किया है। ये एक स्टील सेक्टर के बारे में एक पॉजिटिव हम बोल सकते कि चीज है जो कि आने वाले समय में भी स्टील सेक्टर में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है। अब हम नजर डालते हैं जो कि हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोमेंटम कर के लिए कैसे हो सकता है। तो दोस्तों हमारे जो YouTube पेज है ETI के, जो हमारा YouTube पेज है, देन हमारा Facebook पेज है, Instagram और जो भी हमारा हम बोल सकते हैं कि जो हम लोग सोशल मीडिया पे जो जो हम लोग के ETI के पेजेस है उन सभी को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है ताकि जो हमारे अच्छे अच्छे वीडियोज हैं, जो अच्छे न्यूज है आपको हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी तक पहुंच सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आपको ETI के सभी पेजेस को फॉलो करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों चलिए अब हम नजर डालते हैं निफ्टी स्पॉट के ऊपर। आज हमें अगर हम डे वाइज मोमेंटम देखते हैं तो निफ्टी में आज गैप अप देखने मिला। गैप अप होने के बाद एक हमें जो 2 दिन का जो उपला स्तर था वो भी ब्रेक करने के बाद निफ्टी ने लगभग 23,441 हाई किया जो कि हमारे पास 23,452 का लेवल था। अगर हम देखते हैं तो ऊपर के लेवल में जैसे ही निफ्टी या बैंक निफ्टी जाती है तो ऊपर के लेवल में थोड़ा हमें प्रॉफिट बुकिंग या फिर हम बोल सकते हैं कि करेक्शन दिख रहा है।
आज निफ्टी ने एक सपोर्ट लेके जो गैप अप दिया था, उसके बाद सेकंड सेशन में धीरे 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 एक प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन निफ्टी में देखने मिला है। हमें ऐसा लग रहा है कि कल निफ्टी थोड़ा बहुत करेक्शन दे सकती है। हम लेवल्स तो डिस्कशन करेंगे, बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पिछले 2 दिनों का जो हाई था वो निफ्टी ने आज ब्रेक करके ऊपर जाने के बाद अगेन थोड़ा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। आज इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं रहा। एक मॉर्निंग का अगर हम सेशन छोड़ते हैं तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। अभी हम निफ्टी के 13 जून के लिए लेवल्स डिस्कस करते हैं। अगर आप देखते हो तो निफ्टी का आज का क्लोजिंग है 23,322, और जो हमारा कल के लिए मतलब 13 जून के लिए जो 50% लेवल है वो है 23,368। हमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो रही है। अगर आप पिछले 3 दिन का डेटा देखते हो तो आज निफ्टी ने हाई बनाया 23,441, कल का हाई था 23,389, राइट, और उसके पहले वाले एक दिन का हाई था 23,411। मतलब जो एक्सपेक्ट था वो मोमेंटम ऊपर के लेवल में नहीं आ रही है। बार बार दिख रहा है कि ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी जाते हैं, फिर वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है वो नियर अबाउट कल के मतलब जो 50% लेवल है उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। हमें ऐसे लग रहा है कि कल निफ्टी एक नीचे की ओर मोमेंटम देने की संभावना है। अगर निफ्टी आप देखोगे तो हमारे पास 23,330 का एक लेवल है, उसके आसपास क्लोजिंग है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 351, 23,368 और 23,386 ये लेवल के आसपास आके अगर कोई सेलिंग की रिवर्सल कैंडल बनती है या फिर कोई पैटर्न बनता है सेलिंग का, तो वहां से निफ्टी में गिरावट देखने मिलेगी। और अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके सीधा नीचे आई तो 23,295 तक आ सकती है, और अगर 23,295 ब्रेक हुआ तो निफ्टी 23,261, 23,240, 23,222, 23,205 ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। और अगर 23,205 अगर टूटा तो निफ्टी 23,149 तक के लेवल्स आ सकती है। करंट लेवल से अगर निफ्टी ऊपर गई तो 23,351, 23,368, 23,386 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होंगे, जहां पे हमें लग रहा है कि शायद फ्लैट ओपन हो कि अगर ऊपर की तौर रिट्रेस हुई निफ्टी तो यहाँ पे ये लेवल पे एक सेलिंग का सिचुएशन बन सकता है। बट 23,441 अगर ब्रेक किया निफ्टी ने या फिर 23,407 अगर ब्रेक किया निफ्टी ने तो निफ्टी 23,440 तक आएगी। कभी अगर 23,407 अगर ब्रेक किया तो 23,440 आ सकती है, और अगर 23,441 ब्रेक किया तो निफ्टी 23,476, 23,497, 23,514 और 23,532 ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। दोस्तों कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो शायद दोनों साइड मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने मिल सकती है। बट जो हमने निफ्टी के बारे में कल के लिए डिस्कस किया है वो लेवल्स वो डिस्कशन आप सभी को ध्यान रखना है, और उसी की तरह आपको कल के लिए प्लानिंग करना है। हम कोई भी प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार नहीं है। हम एक नॉलेज तौर पे ये जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका आप अपने पर्सनल ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। दोस्तों अब नजर डालते हैं बैंक निफ्टी स्पॉट के कल के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं। बैंक निफ्टी स्पॉट आज क्लोजिंग हुआ है लगभग 49,895 के पास, और कल के लिए जो 50% लेवल है वो है 49,965, और जो आज क्लोजिंग दिया है वो लगभग 49,902 मतलब जो 50% के नीचे का एक लेवल है उसके आसपास क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी भी हम अगर हम देखते हैं तो ऊपर के लेवल में ज्यादा हम बोलते हैं कि ज्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा, मतलब ऊपर जाने के बाद तुरंत वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल रही है या फिर करेक्शन हमें देखने मिल रहा है। कल के लिए
हमें ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी शायद फ्लैट ओपन होके सीधा डाउन आ सकती है, या फिर अगर फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर आई तो 49,965 ये आपका पहला रेजिस्टेंस रहेगा, 50,026 और 50,106 ये आपके रेजिस्टेंस रहेंगे। तो फ्लैट ओपन होके अगर बैंक निफ्टी ऊपर आई तो ये जो लेवल्स है 49,965, 50,026 और 50,106 ये लेवल के आसपास आके बैंक निफ्टी में सेलिंग का ट्रेंड या फिर सेलिंग की कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर और कोई पैटर्न बनने का चांसेस है। अगर 50,233 क्रॉस किया तो ही बैंक निफ्टी में तेजी की संभावना है, अदरवाइज उपले स्तर पे ऊपर के स्तर पे एक रेजिस्टेंस बन के बैंक निफ्टी भी नीचे आने की पूरी संभावना है। अगर पहले हम ऊपर के लेवल्स डिस्कस करते हैं क्या हो सकता है, 50,223 अगर ब्रेक हुआ तो बैंक निफ्टी 50,359, 50,438, 50,505, 50,564 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर करंट लेवल से बैंक निफ्टी अगर नीचे आई, मतलब 49,902 के नीचे अगर सस्टेन रही तो हमें 49,823 लेवल दिख सकता है। अगर 49,823 लेवल क्रॉस हुआ तो हमें 49,697 के आसपास के लेवल दिख सकती है। अगर 49,697 ब्रेक किया बैंक निफ्टी में तो हमें 49,570, 49,492, 49,429, 49,366 और 49,161 ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। अगर 49,161 क्रॉस हुआ तो 48,956 के भी शायद लेवल देखने मिल सकती है। सो बैंक निफ्टी और निफ्टी कल के लिए हमें दोनों ऐसे लग रहा है शायद फ्लैट ओपन होके सीधा नीचे आएंगे, या फिर फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर आएंगे तो एक शायद हम बोल सकते कि एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आके अगेन डाउनसाइड की मूवमेंट आ सकती है। अगर बैंक निफ्टी 50,233 क्रॉस करती है ऊपर के साइड में, जो आज का हाई है वो अगर ब्रेक होता है तो ही हमें अच्छा खासा बैंक निफ्टी में तेजी देखने मिलेगा, जो कि हमने लेवल्स डिस्कस किए। निफ्टी के बारे में भी अगर 23,407 या फिर 23,411 अगर क्रॉस होता है तो 23,441 तक आ सकता है। अगर 441 ब्रेक हुआ तो ही निफ्टी में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी, अदरवाइज रेजिस्टेंस लेके वहां से एक नीचे की और मोमेंटम देखने मिल सकता है। सो दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि जो टेक्निकल स्टॉक्स हमने डिस्कस किए वो आपको आने वाले एक महीने में या डेढ़ महीने में अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। जो फंडामेंटल न्यूज का डिस्कशन किया तो उनमें से ग्लेनमार्क फार्मा का एक अच्छा न्यूज है जो कि स्टॉक पे हो सकता है। उसी के साथ जो हमने लेवल्स डिस्कस किए निफ्टी और बैंक निफ्टी के थर्सडे के लिए, मतलब 13 जून 2024 के लिए, उसका डिस्कशन आप सभी को ध्यान में रखना है और उसी की तरह आपको कल के लिए प्लान करना है। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 13 जून 2024। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।